शुरू हो गया। अस्सलाम वालेकुम, ये हमारे पास एक सर्वो मोटर स्टेबलाइज़र आया था, इसकी जो है ना सर्वो मोटर जो ये लगी हुई है ये काम नहीं कर रही थी। ये एक ही जगह पर जो है वो खड़ी हुई थी, जिसके ऊपर भी लगाते थे, यानी इसको हमने अगर इधर कर दिया, अभी 300 वोल्टेज यहाँ पर आउट होने हैं तो 300 ही आ रहे थे, लेकिन इसको 220 जो है ना हर हालत में आउट करने चाहिए थे, लेकिन ये जो है ना मोटर ये जो लगी हुई है जो इसको ड्राइव करा के 220 वोल्टेज पर ले आती है वो काम नहीं कर रही थी। हमने सबसे पहले जो है ना इसके वोल्टेज चेक कर किए हैं, ये 9 वोल्ट मोटर है, इसके ऊपर वोल्टेज आ रहे थे। फिर हमने इस मोटर को खोला है तो हमने देखा इसका एक बुश जो है ना वो ख़त्म था। उस बुश को जो है ना उसकी पत्री को हमने थोड़ा सा टेढ़ा करके आर्मेचर के ऊपर दोबारा जो है ना लगा दिया है ताकि वो उसको मेक करे। इसके बाद जो है ना अभी मोटर ये काम कर रही है, अभी इसको हम चला के देखते हैं कि ये आया वाकई काम कर रही है या नहीं कर रही। अभी ये हम इसको जो है ना यहाँ से ऑन कर रहे हैं, ये जब ऑन किया तो ये अपनी जो है ना 220 वोल्टेज जहाँ पर इसने पूरे करने वहाँ पर घूम के आ गई है। ये इसके अंदर एक कूलिंग फ़ैन लगा हुआ है जो इस मोटर को ठंडा रखता है। दो ब्रेकर लगे हुए हैं, एक 220 के लिए और एक जो है ना 110 सप्लाई आउट करने के लिए जो है वो लगा हुआ है। ये 110 ट्रांसफार्मर लगा हुआ है जो इस सर्किट को सप्लाई मुहैया करता है, और ये जो इसके लिमिट स्विचेज लगे हुए हैं ये इनको भी ऑपरेट कराता है और इस मोटर को भी 9 वोल्ट मुहैया करता है। इसके पीछे ये साइड इनपुट है, यहाँ पर हम जो है ना अगर 110 इनपुट देनी है तो दरमियान में कॉमन लगा हुआ है और एक साइड पे 110 है, वहाँ से हम इनपुट देकर दूसरी साइड पर इसी तरह 110 अगर हमने आउटपुट लेनी है या 220 लेनी है तो हम जो है ना आउटपुट ले लेते हैं। हमने अभी ये 220 क्योंकि हमारे पास मुहैया है तो हमने 220 पर इनपुट ली है, और हम जो है ना 110 और 220 दोनों जो है वो हम आउटपुट ले सकते हैं। अब जो है ये हमारा जो स्टेबलाइज़र है वो ओके है।